हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां पे आप फ्री में किसी भी तरीके का कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल फ्री में सीख पाओगे। अगर आप कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कुछ भी बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है पर आपके पास पैसे नहीं है वो पे करने के लिए, तो आपको जान के बहुत खुशी होगा कि ऐसा एक वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ से आप प्रैक्टिकली पूरा डिटेल में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको इसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी फेमस वेबसाइट है। आपने इसका अगर नहीं सुना है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। इसके बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा वेबसाइट है। इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है W3 Schools। इसका नाम आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा लेकिन आपने अभी तक अगर चेकआउट नहीं किया है तो इसे जरूर चेकआउट करें। इस वेबसाइट जो वेबसाइट है वो स्टार्ट हुआ था मेनली HTML, CSS और JavaScript को सिखाने के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सिखाने के लिए। पर अभी इस वेबसाइट में काफ़ी सारे जो है वो काफ़ी सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर में आपको काफ़ी सारे कोडिंग लैंग्वेजेस के यहाँ पे आपको नाम मिल जाएगा जो इससे कि आप यहाँ पे फ्री में जो है वो आप सीख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कितना सारा यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेजेस है, सबके बारे में हम बात करेंगे एक के बाद एक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह का स्क्रीन है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे HTML का पूरा कोर्स जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपको फ्रंट एंड बनना है तो आप ये सब सीख सकते हो HTML। यहाँ पे फिर CSS, JavaScript का कोर्स सब आपको यहाँ मिल जाएगा। Python, SQL, PHP, jQuery, Java, C++, W3.css, Bootstrap, C#, R, कोटलाइन, Node.js, React, JSON, व्यू, तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो सारे जो लैंग्वेजेस हैं वो आप यहाँ पे सीख पाओगे। देखो यहाँ पे गिट, Angular.js, Django, MongoDB, तो ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारे कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में करने को मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कोर्स हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें आने के बाद अपना एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। बिना अकाउंट क्रिएट किए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, पर क्रिएट कर लेने से आप अपने कोर्सेज को ट्रैक कर पाओगे कि आपने कितना कुछ सीखा है। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं HTML से। तो देखो HTML मैंने क्लिक किया तो ये इसका कोर्स जो है वो ओपन हो गया है। इसमें आप देख पाओगे कि इसमें पूरा स्टार्टिंग से बताया गया कि HTML क्या है, कहाँ इसका स्टार्ट हुआ है। और इसका खास बात ये है कि इसके जो इस वेबसाइट है W3 Schools का, उसमें आपको ट्राई इट योरसेल्फ बोल के एक बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी मिलता है। इससे क्या होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये इसका जो ये कोड एडिटर है इसको आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें अपना प्रोग्राम को रन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। लाइक कोई बड़ा वेबसाइट बनाने मत बैठ जाना इसमें, ये जो आपको कुछ सिखाएगा कोई भी टॉपिक को तो उसको आप ट्राई करने के लिए कि ये कैसे काम करता है, ये आपको अपना एक एडिटर प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि आप कोडिंग करके उसका रिजल्ट को भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी सारे डिटेल में मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको इसका एक पैनल मिलेगा जिसमें कि आप किसी भी टॉपिक पे जो है वो स्विच कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि HTML मिडिल तक आता है, उसके बाद जैसे आपको क्लासेस तक आता है, उसके बाद जो आगे का होता है वो आपको नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, राइट। इसमें आप स्विच कर सकते हो कि आपको कहाँ से इसे स्टार्ट करना है और कहीं से भी आप इसे स्टार्ट कर पाओगे। देखो HTML का जो कोर्स है वो ख़त्म होने के बाद HTML का फॉर्म, ग्राफिक्स, मीडिया, API, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेज, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अगर वहीं हम यहाँ पर निकाले पाइथन का, देखो पाइथन में भी कितना लंबा चौड़ा इसमें कोर्स बना हुआ है। आपको जो भी टॉपिक करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो बहुत ही ईजिली, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। इसके बारे में हम और भी आगे जानने वाले हैं कि कौन कौन सा और भी कोर्सेज आपको इसमें करने को मिलेगा ताकि आप अच्छे से फ्री में कुछ भी यहाँ पर सीख पाओ। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि मान लो कि आप यहाँ पे इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हो लेकिन अभी आप प्रैक्टिकली कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, फिर कोई ट्यूटोरियल वीडियो से देख के कर रहे हो, तो उसमें आप कहीं पे अटक जा रहे हो, तो उस टॉपिक के बारे में डायरेक्टली आप आके उसके बारे में पढ़ के फिर उसका रिविज़न कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मान लो कि आपने आप फंक्शन पे अटक गए हो, कोई आप वीडियो देख के कोई प्रोग्राम बना रहे हो लेकिन आप फंक्शन पे अटक गए हो कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आप इस पे आके इसके बारे में पढ़ सकते हो फिर से। और इसमें जो है वो सबको बहुत ऐसे कनेक्ट किया गया है कि आपको हर एक चीज़ सिखाया जाएगा कि कौन सा कहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है। और यहाँ पे जो सारे कोर्स है वो अपडेटेड है, कोई भी नया वर्जन आता है इसमें अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें देखो आपको SQL के बाद जावा, PHP, फिर यहाँ पे हाउ टू टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। C, C++,
फिर यहाँ पे काफ़ी सारे आपको जो वो होती हैं, इसको हम बोलते हैं एक लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, जैसे कि बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे बूटस्ट्रैप मैंने क्लिक किया तो यहाँ मुझसे पूछ रहा है कि बूटस्ट्रैप 3, 4 आपको क्या सीखना है, तो मैंने 5 पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो बूटस्ट्रैप का जो 5 वर्जन है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसे भी आप हमें सीख पाओगे, रिएक्ट, माई एस क्यू एल, जे क्वेरी, एक्सेल को भी आप यहाँ पे सीख सकते हो कि एक्सेल कैसे काम करता है। तो कोडिंग लैंग्वेज के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो डेटाबेस में काम आती है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो डिजंगो जो काफ़ी एक फेमस लैंग्वेज है, वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे, इसके बारे में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा। और देखो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ कनेक्ट किया गया है कि हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक किया गया है, कि कोई भी टॉपिक कहीं से मिस ना हो जाए, हर एक पेज को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है कि आप एक से ऊपर एक यहाँ पे स्विच कर सकते हो। और इसका एक और खास बात यह है कि आप एक से यहाँ पे दो तीन लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो, आप सोचो पहले मैं HTML सीखता हूँ, फिर मैं CSS करूँगा, फिर मैं JavaScript करूँगा, तो ऐसा केस में क्या होता है कि अगर आप HTML सीख रहे हो राइट, और फिर आप उसे ख़त्म करने के बाद JavaScript को स्टार्ट करोगे, तब तक तो जब तक आप JavaScript ख़त्म करोगे तब तक HTML का आधा आप भूल चुके होगे। तो एक साथ आप दो तीन को स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आप उसमें कुछ सीख के उसका प्रोजेक्ट बनाते रहो और आपका रिविज़न होता रहे और नया नई कुछ आप इम्प्लीमेंट करते रहो, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर अपने आप अपने प्रोफाइल पे आओगे तो वहाँ पे आप ये देख पाओगे कि आप कौन से कोर्स को स्टार्ट किए हुए हो और आपने किस कोर्स को कितना कंप्लीट किया है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको काफ़ी सारे कोर्स में सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो वो आपको आई थिंक बाय करना होता है, इसमें वो आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कोर्स में आपको बाय करना होगा और कौन सा कोर्स में आप फ्री में सीख सकते हो। इसमें काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी अभी अवेलेबल हो गया जो कि पहले नहीं था, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन वो सब प्रीमियम है आई थिंक। यहाँ पर देखो लॉक किया गया, अगर आपके पास पैसा है तो आप पेमेंट करके इनका जो प्रीमियम कोर्स सब है वो सब आप कर सकते हो, क्योंकि जो इनका जो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा होता है। बिकॉज आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो जितने भी कोर्सेज हैं वो कितने हाई लेवल के हैं, जिसमें देखो कि कितना सारे लैंग्वेजेज है, जो टीम इनका बनाता है उसको कितना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट होंगे, तभी इतना बड़ा बड़ा कोर्स को इतना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, उनका कोर्स भी कितना इफेक्टिव होगा वो भी आप समझ सकते हो राइट। तो इस वजह से अगर आप कोडिंग में के फील्ड में जाना चाहते हो, कोई नया चीज़ को आप सीखना पसंद करते हो, तो आपको इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना चाहिए और आपको इसको ज़रूर एक ट्राई आउट करना चाहिए। इसमें बस इशू ये है कि अगर आप हिंदी में सीखना पसंद करोगे तो आपको ये हिंदी में नहीं मिलेगा, ये आपको मोस्टली इंग्लिश में ही मिलेगा, और इसमें समझने में आपको कभी कभी डिफ़िकल्टी हो सकता है। जैसे कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो सब कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, तो कभी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके उसका एक वीडियो देख लेना, ताकि आपको और इजी हो। अगर वरना मैं आपको एक और ऐप के बारे में सर्च करता हूँ, वेबसाइट के बारे में, जहाँ से कि आप कर सकते हो। ये मैं एडिशनल इस वीडियो में बता रहा हूँ, जिसका नाम है लर्न वन। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाकर रखा था, उसका लिंक भी आपको आई बटन मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियो कोर्सेज मिलते हैं जो कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख पाओगे, कोई भी आपको कोई लैंग्वेज सीखना, लाइक मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे पाइथन, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे आप हिंदी में सीख पाओगे, वो भी वीडियो के साथ। और आप इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको 700 आई थिंक पे करना होता है, तो अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हो, वरना यहाँ पे आप इस कोर्स को भी यहाँ पे ले सकते हो अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना होता है तो। इसके बारे में मैंने कम्प्लीटली वीडियो बना रखा है, इसलिए उस वीडियो को आप देख के इसके बारे में और समझ सकते हो, वरना आप इसे एक बार विजिट कर लेना learnone.com एंड W3 Schools। वीडियो समझने में आपको कोई भी दिक्कत हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि जो वो सीखना चाहते हैं उसके लिए पूरा एक फ्री वेबसाइट बना हुआ है। कई सारे फ्री रिसोर्सेज हैं जो कि बने हुए हैं, आपको कहीं पे करने की जरूरत नहीं है कोई स्किल सीखने के लिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि ऐसा कौन सा स्किल है जो कि इसके लिए आपको फ्री कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको मैं कमेंट में ही उसका आंसर बोल दूंगा कि कहाँ से आप कोई भी स्किल को फ्री में सीख सकते हो। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा कि आप किसके बारे में सीखना पसंद करते हो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।